हाय, माय नेम इज़ नीतू ठाकुर एंड आई एम फ्रॉम मोतिया ब्लू बीच। आज मैं आपको 3 BHK का अपार्टमेंट दिखाने जा रही हूँ जो कि 1611 स्क्वायर फीट में है। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा मेन डोर है, टाटा की डोर रहेगी एंड जिसकी हाइट है 8 फीट। एंटर करते ही हमारे पास ये एल शेप में लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है जिसका साइज 10x20 है। एंड हमारा डाइनिंग एरिया का जो साइज है वो 10x8 का है। इसके साथ हमारी अटैच बालकनी है, UPVC के टफल ग्लासेस रहेंगे, साउंड प्रूफ। बालकनी का जो साइज आप देख रहे हैं ये 6x22 का है जिसकी कनेक्टिविटी जो रहेगी वो किचन से रहेगी एंड आपके मास्टर बेडरूम से रहेगी। ये हमारी किचन आ गई, मॉडर्न किचन रहेगी हमारी एज इट इज, ऐसा आप देख रहे हैं। चिमनी लगा के दे रहे हैं टिक्स की एंड आपके डबल सिंक्स रहेंगे और जैकवार के आपके टैब रहेगी एंड हैवल्स के आपके स्विचेस रहेंगे। एंड इसमें हम ये आपको पार्टीशन भी दे रहे हैं, वेजिटेबल्स बास्केट भी दे रहे हैं। इसके साथ अटैच बालकनी है जो कि कनेक्ट करती है लिविंग एरिया को, किचन को एंड मास्टर बेडरूम। अब मैं ले चलती हूँ मेरे फर्स्ट बेडरूम में। ये मेरा फर्स्ट बेडरूम है जिसका साइज है 11x13 का। ये हमारा गेस्ट रूम है। इसके साथ रूफ लाइट तक हमारे कवर्स रहेंगे जैसे आप देख रहे हैं एंड अटैच बालकनी रहेगी इसके साथ। ये हमारा अटैच वॉशरूम है जिसमें हम ग्लास पार्टीशन करके दे रहे हैं आपको, जैसा आप देख रहे हैं एज इट इज ऐसा ही देंगे आपको। हमारा सेकेंड रूम आ गया, किड्स रूम, जिसका साइज है 11x13 का। इसमें हम आपको जैसे ही आप कवर देख रहे हैं एज इट इज रूफ राइट तक ऐसे ही देंगे एंड इसके साथ जो है वॉशरूम कॉमन रहेगी जिसकी कनेक्टिविटी आपके रूम से भी रहेगी एंड लिविंग एरिया से भी रहेगी आपकी कनेक्टिविटी वॉशरूम की। एंड अगेन अटैच बालकनी है इसके साथ जैसे आप देख रहे हैं।
थर्ड रूम है मास्टर बेडरूम जिसका साइज रहेगा 11x15 का। एंड इसके साथ अभी अटैच बालकनी एंड वॉशरूम। इसमें हम वुडन फ्लोरिंग करके दे रहे हैं मास्टर बेडरूम में। एंड आपके जो कवर्स है अगेन रूफ राइट तक ही रहेंगे। इसमें ये था हमारा 3 BHK का अपार्टमेंट 1611 स्क्वायर फीट में। थैंक यू सो मच।